हेलो योगेश जी, आवाज आ रही है? सोच रहा था कि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं यार, आवाज ऐसे नहीं आ रही है। नहीं, हाँ वो म्यूट रह नहीं गया था, म्यूट रह गया था उसमें। मैं भी वही देख रहा था, वो सही किया आपने, बता दिया। तो नॉट इक्वल टू का यूज हम क्या करते हैं? नॉट इक्वल टू किस तरह से वर्क करता है? यहाँ पे दो ऑपरेटर लगे हमारे, लेस देन और ग्रेटर देन। अब जो एक वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं कि जो 50 है हमारा, 12 से बड़ा है? नहीं है। 12 से छोटा है? नहीं है। छोटे बड़े को इकट्ठे एनालाइज करता है ये। ना वैल्यू उससे बड़ी हो ना उससे छोटी हो। यानी कि नॉट इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमारा, जैसे मैं कर देता हूँ, पहले तो मैं कर देता हूँ इसमें, यहाँ पे बदलता हूँ, यही कंडीशन इनमें भी लगा देते हैं। हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू दिस
और लेस देन इक्वल टू दिस। अब इसको फॉर्मूला व्यू में चेक कर लेते हैं। लेस देन इक्वल टू में देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 50 कर देता हूँ तो ट्रू दिखा रहा है, पर अगर लेस देन में 50 कर देता हूँ तो फॉल्स दिखाएगा। मतलब 50 हो और उससे छोटी हो, 51 हो तो फॉल्स। ठीक है जी, इसी तरह से ये 50 हो या इससे बड़ी हो, छोटी पे दिक्कत। तो इस तरह से हमारे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, देख लीजिए। और ऑपरेटर को समझना इसमें हमारे पास बहुत जरूरी है। अभी तक मैंने बताया आपको ऑपरेटर प्लस माइनस इक्वल टू डिवाइड पावर मल्टीप्लाई। लॉजिकल ऑपरेटर में इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है जी, जो ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देते हैं। अब क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे ट्रू फॉल्स में अवेलेबल है। मोस्टली लोग क्या करते हैं इसके लिए, इफ का यूज करते हैं इस लॉजिकल कंडीशन के लिए। क्या ये इक्वल टू है इसके, यहाँ कॉमा, इफ फॉर्मूला में हमारे पास पहले पैरामीटर होता है लॉजिकल टेस्ट, जिनमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, लॉजिकल कंडीशन लगाते हैं। देन हमारे पास होती है वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। सर इसको जब भी आप देखते हैं कि ये बड़े ब्रैकेट में वैल्यू है किसी फॉर्मूला के अंदर, उसके डिस्क्रिप्शन आती है उसमें, जब भी आप देखें कि बड़े ब्रैकेट में वैल्यू है तो उसका मतलब होता है वो ऑप्शनल है, आप चाहे उसे दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फॉर्मूला के तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं। आर्ग्यूमेंट होता है हमारे इनपुट्स, जो हम इनपुट डालते हैं, जो कि सेपरेटेड बाय कॉमा होते हैं। कॉमा से एक आर्ग्यूमेंट सेपरेट होता है, ठीक है जी। ट्रू आने पे क्या करना है हमें, ओके लिखना है। टेक्स्ट की जो नोटेशन देंगे हम वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देंगे अगर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, और अगर कोई नंबर लिख रहे हैं तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। फॉल्स कंडीशन में ये नंबर दिखाएगा, ट्रू कंडीशन में ये रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है जी। फॉल्स है, 50 करता हूं, ठीक है जी। अब जैसे कि हमारा, हमने देखा कि इफ जो फॉर्मूला क्या करता है, किसी लॉजिकल टेस्ट पे ट्रू या फॉल्स में देता है। यहां तो हमने दे दी वैल्यू, पर इसके बीच में हम कोई फॉर्मूला भी काम करा सकते हैं। अगर ओके हो तब क्या करें, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग लेते हैं। मान लीजिए मैंने अप्लाई करना है कुछ ड्राइविंग लाइसेंस या अकाउंट खुलवाना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, जिसके लिए मेरे को क्या जरूरत है। उन्होंने कहा आप डीएल दे दो,
वोटर आईडी दे दो। डीएल दे दो, वोटर आईडी दे दो अपने आईडी प्रूफ में, रेजिडेंस प्रूफ में आप दे दो, और रेजिडेंस प्रूफ में आप दे सकते हैं, या कोई अलग सा प्रूफ जो बैंक अकाउंट या आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस में आप दे दो राशन कार्ड, या इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है जी। रिजल्ट हमें सिलेक्टेड या रिजेक्टेड में दिखाना है। तो पहला कैंडिडेट आया मेरे पास, जैसे मैं ही बनवाने गया, ठीक है जी। मैं पूछा आपके पास आईडी प्रूफ में क्या है, मैंने कहा जी डीएल है, ठीक है, ये नो कर दिया। मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? ओके हेलो, ओके ओके हाँ जी दिखाई ओके, दे हाँ रही है। हाँ जी हाँ जी, जी, बीच में इंटरेक्शन ये करते रहिए बीच में मुझे। कनेक्शन टूट गया था। अच्छा, मे भी हो सकता है नाउ सर। इट्स फाइन। अच्छा, तो मैं जो दिखा रहा था आपको, जो एग्जांपल दिखा रहा था कि एक मैं बैंक अकाउंट खुलवाने गया, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पास डीएल या वोटर आईडी कार्ड में से कुछ ले आइए, एड्रेस प्रूफ में मुझे राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल में से कुछ चाहिए। मैंने कहा इसमें से क्या है, मैंने कहा जी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, राशन कार्ड नहीं है, ठीक है जी। अब उनका क्राइटेरिया है कि आप इन दोनों में से कुछ हो, इन दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक चीज हो तो आप सिलेक्टेड हैं, और इन दोनों में से कोई एक चीज हो तो आप सिलेक्टेड हैं, ठीक है जी। आपका मतलब अकाउंट खुल जाएगा इफ कंडीशन हम यूज करते हैं। पहले बाहर पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक आईडी प्रूफ के लिए और एक एड्रेस प्रूफ के लिए। हेलो, हाँ एड्रेस प्रूफ के लिए, तो इसमें हम लगाएंगे इफ कंडीशन, क्या ये इक्वल टू वाई है, क्या ये इक्वल टू वाई है, ट्रू आया। आईडी के 2 पॉइंट लगा लेते हैं और इसके भी 2 पॉइंट लगा लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए आराम से। यहाँ मैंने पूछा क्या ये वोटर आईडी जो है इक्वल टू वाई है, इसने कहा नहीं है। मैंने ये पूछा, ये वैसे तो कंडीशन तो सेम ही है, मैं चाहूँ तो इसको ड्रैग कर सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है जी। ड्रैग करने से क्या होता है, अपना जैसे ये B17 है, B17 है, जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये C हो जाएगा, मतलब कि अगर यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने ये लिखा है, पहला सेल रेफरेंस मैंने ये दे दिया, इसके भी नीचे बढ़ा देता हूँ, 6 7 8 9 10 11 13 इस तरह से है,
ये रेफरेंस का है, थोड़ा सा रेफरेंस के बारे में आपको बता दूं ताकि ये ड्रैग एंड ड्रॉपिंग में प्रॉब्लम ना हो। मैंने सिलेक्ट कर लिया B19। जब मैं इसको ड्रैग करूंगा इधर, तो ये मेरे को वहां की वैल्यू दिखा रहा है। अब क्या हुआ ड्रैग करने पे, फॉर्मूला व्यू में जाते, ये देखिए B9 C9 D9 E9, ये कॉलम की तरफ बढ़ गया। जब मैंने इधर ड्रैग किया तो इसी तरह से इसने कॉलम भी बढ़ा लिया अपने, और जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो ये अपनी रो बढ़ा लेगा। जो चीज आप बढ़ने से रोकना चाहते हैं उसके आगे डॉलर लगा दीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरा ड्रैग करने पे कॉलम ना चेंज हो, तो कॉलम के आगे डॉलर लगा दिया मैंने। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये बी नहीं चेंज होगा मेरा, ठीक है जी। अब बी को मैं नीचे खींचता हूँ, 20 21 22 अभी भी चेंज हो रहा है। अगर मैं 19 के आगे भी डॉलर लगा दूंगा, जब इसको ड्रैग करूंगा वैल्यू सेम, यहाँ भी वैल्यू सेम। अब मैं क्या करता हूँ, बी के आगे से हटा देता हूँ, 19 के आगे लगा रहने देता हूँ। अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ इसको, तो ये सी चेंज हो रहा है, नीचे चेंज कर रहा हूँ, 19 के आगे रो पे लगा है, रो वही रहेगी हमारी। इसको समझाने का मतलब था मेरा, मैं सिंपल वैल्यू के साथ लगा के दिखाता हूँ आपको। जब मैंने इसको ड्रैग किया, हमारे कॉलम ड्रैग हुए, उनकी वैल्यू बढ़ी। जब मैंने इसको ड्रैग किया, तुम्हारे रो ड्रैग हुई, उसकी वैल्यू बढ़ गई। जहां कोई वैल्यू नहीं होती वहां वो जीरो दे देता है। तो किसी कॉलम को फिक्स करने के लिए हम डॉलर का यूज करते हैं, कॉलम या रो को। अभी मैंने कॉलम को फिक्स किया, ये चेंज नहीं होगा, पर रो में चेंजेस आएंगे, इनकी वैल्यू होगी। अब मैं 19 के आगे लगा देता हूँ, तो मैं इसको चेंज करूंगा, वैल्यू बढ़ेगी, पर जब इस दूसरी तरफ चेंज करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। नहीं चेंज होना देने चाहते आप किसी को भी, तो दोनों के आगे डॉलर लगा दीजिए, ठीक है। चाहे आप यहाँ ड्रैग करें चाहे यहाँ ड्रैग करें, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये हमारा डॉलर का यूज होता है। अब मैंने इसमें क्या करना था, क्या ये इक्वल टू वाई है, ये सब्सिक्वेंटली इसने इन सब की कंडीशन चेक कर ली। अब मेरे को दो क्राइटेरिया में क्या निकालना है, कि इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो और इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो। मैं यहां पे निकाल लेता हूं। इसके लिए हम यूज करते हैं और का फंक्शन, और का फंक्शन क्या करता है हमारा लॉजिकल। मैंने जब इसका रेफरेंस दिया तो इसके अंदर का फॉर्मूला जो आ रहा था, जो वैल्यू आ रही थी, वो इसने उठा ली, ठीक है जी। और इसमें जितनी भी कंडीशंस दी जाएंगी, अगर उनमें से एक भी ट्रू है तो ये आपको ट्रू शो करेगा। मान लीजिए मेरे पास आईडी प्रूफ नहीं होता तो ये ना दिखाता, वोटर आईडी कार्ड था, यस। तो यहाँ मेरा आईडी प्रूफ का सॉर्ट आउट हो गया, मेरा आने लगा कि दोनों में से एक चाहिए। इसी तरह से मुझे यहाँ पे चाहिए और कंडीशन। अब ये तो और कंडीशन के थ्रू हो गया, मैंने एनालाइज कर लिया कि आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ में से एक एक लेना है, कोई एक भी हो तो चल जाएगा। अब यहाँ क्या लगाना है, यहाँ पे मुझे चाहिए कि दोनों, ये दोनों में से एक एक डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। तो यहां पे लगाते हैं हम एंड, एंड का फंक्शन। एंड का क्या करता है, एंड के अंदर जितनी कंडीशन होंगी, अगर सब ट्रू होंगी तभी ट्रू दिखाएगा, एक भी फॉल्स होगी तो वो फॉल्स दिखाएगा मुझे। सपोज मेरे पास आईडी कार्ड, आईडी प्रूफ तो है, एड्रेस प्रूफ नहीं है, नो लिखा मैंने, मेन रिजल्ट मेरा फॉल्स कर गया, यानी मेरा बैंक अकाउंट नहीं बन सकता,
ठीक है जी, इसी तरह से यहाँ पे करता हूँ। ठीक है जी, तो बेसिकली मुझे ये इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे, और इसके बेस पे रिजल्ट देना है। इफ ये ट्रू हो तो सिलेक्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। देखते हैं काम करता है नहीं करता। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, वोटर आईडी भी नहीं है, रिजेक्टेड कर दिया। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल रिजेक्टेड। ठीक है जी, इसको वाई कर देते हैं, इसको नो कर देते हैं। ठीक है जी, अब इसको एक फंक्शन में हमें बिल्ड करना है। एक्चुअली जो लंबा चौड़ा फॉर्मूला आज तक आपने देखा होगा, उसकी एक ट्रिक होती है लगाने की। अब हम चलते हैं इसके रेफरेंस पे, H20 है। क्या करते हैं, यहां जाते हैं, इक्वल टू से पहले का कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से एस्केप मार के बाहर आते हैं। H20 पे मैंने जाके पेस्ट कर दिया। अब जब ये फॉर्मूला मेरा यहां फिक्स है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। अब इसके अंदर मेरे एंड के अंदर दो रेफरेंस आ गए, H19 I19। अब H19 में मैं H19 का कॉपी कर दूंगा, I19 में मैं I19 का कॉपी कर दूंगा। H19 में ये था, और I19 में ये था। ये लगा दिया, यहाँ चल गया मेरा। अब इन दोनों की जरूरत नहीं। अब ये चारों की बारी आई। फर्स्ट है G17। G17 इक्वल टू से पहले क्या उठा रहा हूं मैं, ये लगाया H17। GH का काम हो गया, I17 और J17। I17 पेस्ट और J17। अब मुझे ना इनकी जरूरत है, इनकी किसी की जरूरत नहीं है। यहां देखते हैं वर्क करता है नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यह से कोई बात नहीं। नो है, कोई बात नहीं, दोनों नो है तो दिक्कत है, किसी भी एक में यस होना चाहिए। यहां से नो होता है, ठीक है जी। ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। हेलो, हाँ जी, ठीक है, बस चेक।
अब इनको जरा फिक्स कर देते हैं ताकि इनकी वैल्यूज जो है हम जब नीचे ड्रैग करें, नीचे ड्रैग करें तो वैसे तो सही आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला मेरा ड्रैग हो गया, यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट आते हैं, इनके पास ये सर ठीक है। आपने जो इसमें बताया, तो आपने जो बताया टेक्स्ट जब भी हमने लेना है तो इन्वर्टेड कॉमा से उसको स्टार्ट करना है और इन्वर्टेड कॉमा से ही क्लोज करना, हाँ जी, हाँ जी, जब और फॉर्मूले के सेपरेशन अंदर हमेशा कॉमा से होगी, कॉमा से होगी बड़ी ब्रैकेट। जब भी किसी भी फॉर्मूले में लेना है तो अगर टेक्स्ट में लेना है तो इन्वर्टेड कॉमास में लेना। हाँ जी, हाँ जी, किसी भी फॉर्मूला में जब भी टेक्स्ट एंटर होगा तो इन्वर्टेड कॉमा से, नंबरिक्स एंटर होंगे तो उनके लिए कोई जरूरत नहीं है, नंबर डायरेक्ट और एंटर करें। सेपरेशन के लिए हमेशा कॉमा यूज होगा। सेपरेशन के लिए कॉमा यूज होगा। दूसरा, जिस फंक्शन के अंदर है इसका, ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन दिखाती है इसका भी बहुत अच्छा रोल है। अब जैसे मेरा इफ कंडीशन शुरू हुई, लॉजिकल टेस्ट टेस्ट क्या हुआ इसमें, तीन पार्ट से मुझे पता था लॉजिकल टेस्ट होना। लॉजिकल टेस्ट जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने पूरी ये लॉजिकल कैलकुलेशन दिखा दी मुझे, ये थी आपकी जी लॉजिकल कॉल, वैल्यू इफ ट्रू पे क्या हुआ, वैल्यू इफ फॉल्स पे क्या हुआ। अब जैसे हम एंड के पास आ गए, एंड के अंदर चले गए, ये एंड का ले लिया, इसमें लॉजिकल टेस्ट क्या हुआ, एक ही लॉजिकल टेस्ट था, दो थे, एंड के अंदर दो लॉजिकल टेस्ट थे हमारे, लॉजिकल थ्री है ही नहीं। तो हम जिस फॉर्मूला के अंदर जाएंगे वो उसकी वो दिखाता जाएगा हाँ, वो उसकी यही इसका मतलब डिस्क्रिप्शन दिखाता जाएगा, लॉजिकल वन, राइट। लॉजिकल टू, ठीक है। तो ये इसमें हेल्पफुल होता है। दूसरा, एक बड़ी बात ध्यान रखने वाली होती है, जो हमारा बड़ी ब्रैकेट जिस आर्गुमेंट में बड़ी ब्रैकेट दिखा रहा हो वो एंटर करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शनल होती है। तो ये आज का मेरा फॉर्मूला इंट्रो समाप्त होता है, जिसमें मैंने आपको एंड और इफ लॉजिकल फॉर्मूला के कुछ पार्ट बताए। लॉजिकल में हमारा एंड, इफ, और, बाकी जब फॉर्मूला चलेंगे तो मैं इसमें बाकी भी बताऊंगा आपको, नॉट किस लिए यूज करते हैं, इफ एरर, ये सब, ठीक है जी। तो आज का सेशन एंड करते हैं, बाकी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।